पूर्व सरकार में हुई पेंशनरों की अनदेखी अब सुक्कू सरकार भी उसी राह पर चली करसोग में तीन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ सम्मेलन प्रदेश सरकार को चेताया जिला मंडी के तहत करसोग में सोमवार को तीन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ यहाँ नरसिंह मंदिर के सभागार में हिमाचल वेल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई इस दौरान पेंशनरों की हुई अनदेखी पर प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश की नव निर्वाचित सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भी सेनानिवृत्त कर्मचारियों के सभी वित्तीय भुगतान एकमुश्त जारी करने की चेतावनी दी हिमाचल पेंशनरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार में पेंशनरों की अनदेखी हुई थी जिसका खामियाजा जयराम सरकार को सत्ता खोकर भुगतना पड़ा उन्होंने कहा कि कर्मचारी और अधिकारियों के जीवन का कीमती समय सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया लेकिन सेनानिवृत्ति के बाद सरकार ने पेंशनरों की अनदेखी की गई प्रदेश में हजारों पेंशनर एक मुफ्त वित्तीय लाभ लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी पेंशनरों की मांग को अनसुना किया है ऐसे में पूर्व सरकार को विधानसभा चुनाव में पेंशनरों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा बेसिक पेंशन में जोड़ा जाए पाँच दस और पंद्रह फीसदी वृद्धि का इजाफा आत्माराम ने कहा कि पैंसठ सत्तर और पचहत्तर साल की आयु में सेनानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में पाँच दस पंद्रह फीसदी वृद्धि का लाभ दिया जाए उन्होंने इस वृद्धि को बेसिक पेंशन में जोड़े जाने की मांग की है इसके अतिरिक्त बैठक में वर्ष 2016 के बाद सेनानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दे वित्तीय लाभ एक मुस्त जारी करने की मांग उठाई इसी तरह से पेंशनर ने 1 जनवरी 2016 को पेंशन में हुए संशोधन को एक मुफ्त दिए जाने का भी आग्रह किया है सम्मेलन में तीन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के करीब डेढ़ सौ पदाधिकारियों ने भाग लिया इस दौरान 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सेनानिवृत्ति कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया मुख्यमंत्री से मिलेंगे पदाधिकारी